प्रदेश के श्रावस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में 5 लोग उफनती पहाड़ी नाले में फंस गए। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने बचाव अभियान चलाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बचाए गए लोगों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं और सभी एक ही परिवार के बताए गए। घटना तब हुई जब वो लोग कार से वहां मौजूद एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन नाले को पार करने के दौरान उनकी गाड़ी उफनती लहरों में फंस गई। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि उसमें कार बहने लगी। इसके बाद वहां मौजूद सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने कार में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इन जवानों ने सबसे पहले गाड़ी के पिछले हिस्से में एक रस्सी बांधी और उसका दूसरा सिरा एक पेड़ से बांध दिया ताकि वो कार न बहे। इसके बाद एक जवान ने कार के नीचे से पेड़ की टहनियों और झाड़ियों को निकालना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो सभी जवान कार को धक्का देकर पानी के तेज बहाव से निकालने में जुट गए। कुछ लोग रस्सी की मदद से गाड़ी को खींचते दिखे तो कुछ पीछे से उसे धक्का देते नजर आए। बताया गया कि कार से एक परिवार वहां मौजूद शिव मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। गाड़ी में 2 बच्चे और 2 महिलाओं समेत 5 लोग मौजूद थे, लेकिन भारी बारिश के बाद उफनते नाले को पार करने के चक्कर में उनकी गाड़ी फंस गई। उनके हाथ पांव तब फूल गए जब गाड़ी लहरों में बहने लगी। इसके बाद सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर कार को नाले से बाहर निकाला। इस बीच यूपी में जबरदस्त बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी ने डराना शुरू कर दिया। मौसम विभाग ने यूपी के 31 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और नौबत ये आ गई कि वाराणसी के कई घाट डूब गए। इन घाटों में 80 घाट और दशाश्वमेध घाट भी शामिल है। घाटों के डूबने की वजह से गंगा आरती की जगह ही बदल दी गई। जो आरती गंगा किनारे होती थी उसे पुजारियों ने घाट के पास बने एक मकान की छत पर किया, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर पानी भर गया। आरती छत पर हुई इसलिए बहुत सारे लोगों ने घाट पर नाव में बैठकर उसे देखा। दस्त बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि वाराणसी की जान कहे जाने वाले घाट दिखाई देना ही बंद हो गए, वो डूब गए। इसलिए कुछ दिनों के लिए वाराणसी में नाव और क्रूज पर घूमने पर पाबंदी लग गई। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार से जुड़े रीति रिवाजों पर भी असर पड़ा और हालत ये हो गई कि वाराणसी में गलियों में शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। गंगा और यमुना के उफान पर आने से प्रयागराज में भी हालत बिगड़ गई। गंगा और यमुना के संगम वाले इलाके में तो कई घरों में पानी भर गया। एक दिन पहले खबर आई थी कि प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर में पानी भर गया। वहां मंदिर में जल भराव के बीच ही पूजा पाठ भी किया गया और कहा गया था ऐसा करना शुभ होता है। यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में घाटों और मंदिरों में पानी भरा तो वहीं दूसरी ओर यूपी के हरदोई में सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। हालत यह हो गई कि सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि केवल 1 घंटे की बारिश ने यूपी के हरदोई की सड़कों को तालाब जैसा बना दिया। हालत इतनी खराब हो गई कि सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया। हरदोई की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के घर में भी पानी घुस गया। आवास विकास कॉलोनी में भी ऐसा ही भरा हुआ है और इस रोड पे भी ऐसे ही भरा हुआ। हरदोई के अलावा यूपी के मुरादाबाद और पीलीभीत में बारिश ने खूब बर्बादी की। मुरादाबाद में तो रेलवे ट्रैक पर ही पानी भर गया था, जबकि पीलीभीत में सड़क बह गई थी। इसके अलावा चित्रकूट, उन्नाव और गाजीपुर में भी नदियों ने खतरनाक रूप ले लिया। मौसम विभाग ने यूपी के 31 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया और इनमें ज्यादातर वो जिले हैं जहां गंगा और यमुना नदियां हैं। मुरादाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, बरेली और प्रयागराज में तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम ने राहत के काम में खलल डाल दिया। सुबह सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर लोगों को एयरलिफ्ट करने के काम में जुट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया और केदारनाथ जाने के रास्ते में पहाड़ खिसकना शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर नीचे आए। थोड़ी ही देर में उनकी संख्या बढ़ गई और फिर धूल और धुआं फैल गया। पहाड़ खिसकने और रुक रुक कर बारिश होने से केदारनाथ में हालात बिगड़ गए। हालत ये हो गई कि राहत के काम पर भी असर पड़ गया, क्योंकि सुबह सुबह लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए उड़ा विमान रुक गया। यानी मौसम बिगड़ते ही राहत का काम रुक गया और मुश्किल बढ़ गई। फटने के कई सैकड़ों लोग फंसाने के लिए कई तरह मंदाकिनी, यहाँ तक कि सेना का बनाया अस्त्र भी बह गया और लोगों के पास सी के रास्ते कठिन तरीके से बाहर निकलने का रास्ता बचा, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद वायुसेना के देवदूतों यानी कि Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों को भी रुकना पड़ा।